अंपायर लिया और मैं हूँ मजनू तेरा, तो क्या कहना चाहेंगे दोनों प्रोजेक्ट के बारे में, किस तरह का किरदार है और कितने उत्साहित हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर? मैं हूँ मजनू तेरा तो कंप्लीट है, इसमें मेरा स्पेशल अपीयरेंस है। अच्छा, जो अभी शूट करना बाकी है फिल्म, और पायलिया जो इनका प्रोजेक्ट जा रहा है उसमें एज अ मेन विलन हूँ मैं। शमूजी के साथ पहले भी कर चुका हूँ एक फिल्म गुलाब, बहुत प्यारी फिल्म, एक सुलझे हुए निर्माता है चीज़ों की समझ में, उदय जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर। तो ऐसा लगता है घर जैसा ही है मामला हमारे लिए, क्योंकि ऑलरेडी इतना काम किया हुआ इनके साथ, और किरदार भी बहुत अच्छा है, कहानी बहुत देसी कहानी है जो शंभू जी की देखी हुई कहानी है, या कहा जाए कि रियल कलाकार, रियल करेक्टर उठाया उन्होंने अपने गांव अपने आसपास के किरदारों को रचा, और बड़ा एक इंटरेस्टिंग किरदार जो मुझे दिया है वो बहुत अलग किरदार है, शायद अब तक जो किया उससे अलग है, क्योंकि ये रियल किरदार है, उन्होंने देखा हुआ है ये किरदार, ये काल्पनिक नहीं है। तो जब आप रियल किरदार करते हैं तो बहुत सारी ओरिजिनल चीज़ें मिलती हैं उसमें, तो पायलिया में मुझे लगता है कुछ उसी तरीके का है मामला। सर, जाना चाहूँगा भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी समय से और काफ़ी फिल्में में अभिनय किया, सफल अभिनय किया, क्या कहना चाहेंगे बॉलीवुड के बारे में कि वहाँ पे पदार्पण कब करने वाले हैं, और क्या आपको कोई अंतर नज़र आता है बॉलीवुड में और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में? अंतर तो बहुत है, ये रीजनल सिनेमा है, वो नेशनल सिनेमा है, अभिनय दोनों में करना है, अभिनय दोनों में करना है, अभिनय दोनों में अलग नहीं है, सिर्फ भाषा का फ़र्क है और एक पैमाने का फ़र्क है, उसका पैमाना ज़्यादा बड़ा है, इसका पैमाना थोड़ा छोटा है। और देखिए, अब अपने से पहले से कुछ कहना ठीक नहीं, पर होपफुली मुझे लगता है कि बहुत जल्द कुछ फिल्मों का तो नहीं कह सकता हूँ, वेब सीरीज़ में शायद नज़र आऊँ मैं, बातचीत लेवल पे चल रहा है उस मामला मेरा, बट फिल्मों से ही अभी इतना टाइम नहीं, मेरी लगभग अप्रैल मई तक की डेटें, दो दो तीन तीन महीने की डेटें ब्लॉक रहती हैं उसमें, फिर भी कोशिश करूंगा कि अगर कुछ उस तरीके का अच्छा ऑफर आएगा तो मैं डेफिनेटली करूंगा। सर, ये भी कहना चाहूंगा, जैसा देख रहे हैं कि तांडव जो प्रोजेक्ट है सैफ अली खान का, काफी विवाद चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे कि सीमा का उल्लंघन करते हैं निर्माता निर्देशक या कलाकार सिर्फ इस वजह से कि फिल्म चल जाए प्रोजेक्ट चल जाए और लोग आकर्षित हों इस तरह के विवाद? मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में अंकुश तो जरूरी है, चाहे वो जो अंकुश इन्होंने फिल्मों में लगाया है सेंसर का, वो अंकुश इन्हें वेब सीरीज में लगाना चाहिए। सरकार ने जो वेब सीरीज़ पे अंकुश नहीं लगाया उसका बहुत गलत इस्तेमाल भी हो रहा है, क्योंकि मोबाइल सबके हाथ में है, आप किसको नहीं रोक सकते कोई चीज़ देखने से। तो हम जहाँ संस्कार संस्कृति और भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि वेब सीरीज़ पे भी अंकुश होना चाहिए, इसका भी सेंसर होना चाहिए कि ये दिखाना है ये नहीं दिखाना, और वो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ये कदम उठाएगी तब शायद बेटर चीज़ें हम देख पाएंगे। आपको क्या लगता है बॉलीवुड हिंदू फोबिया है? बॉलीवुड हिंदू फोबिया है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता बॉलीवुड में, इससे पहले भी बहुत सारी फिल्में बनती रही, ऐसा कुछ नहीं। पर्टिकुलर एक वर्ग हो सकता है, पर आप पूरे बॉलीवुड को दोष नहीं दे सकते हैं, एक वर्ग, वो हर वर्ग हर जगह है, हर इंडस्ट्री में होता है, अच्छे बुरे, एक अलग सोच रखने वाले, थोड़ा खुरापाती सोच वाले, इस तरीके के इंसान हर जगह पाए जाते हैं, पर आप इसके लिए पूरी इंडस्ट्री को दोष नहीं दे सकते हैं। इन दिनों लगातार फाइट चल रही है, अक्षय सिंह ने भी वीडियो बनाया था उसको लेके, आप क्या कहना चाहेंगे? उनके गाने को रोका जा रहा है, साथ ही साथ कई सारे सेलिब्रिटीज बोल रहे हैं। मेरे नॉलेज में ये बातें नहीं है, मैं आपके ही थ्रू सुन रहा हूँ। उन्होंने एक वीडियो बनाया था, रोई थी ऑनलाइन आके, वो शायद बहुत पुरानी बात हो गई है। और राकेश मिश्रा जी भी यही बोल रहे थे, उनके गाने को भी रोका गया। हाँ, राकेश से तो मेरी बात हुई, तो मैंने राकेश को यही बोला कि नेगेटिव मतलब नकारात्मक ताकतों की इतनी तरजीह मत दो, उनके बारे में मत लिखो फेसबुक पे, क्योंकि हम जब किसी के बारे में लिखते हैं कि कोई हम पे प्रहार कर रहा है तो वो मजबूत बनता है। जब कोई आपको परेशान कर रहा हो कुछ इस तरीके, बहुत ज़्यादा ना हो तो नहीं बोलना चाहिए। तो राकेश ने कहा नहीं भैया, अब मैं लिखना बंद कर दिया। मैंने कहा इनको इतनी तवज्जो मत दो कि उन्हें ये लगे कि वो अपनी कोशिश में सफल हो रहे हैं। किरदार निभा रहे हैं, बहुत सब संस्कारी किरदार लग रहा दिखने में जी। बताइए क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम रोशनी सिंह है, मैं झारखंड से हूँ। सर के साथ मैं फर्स्ट टाइम काम कर रही हूँ, अभी 4 तारीख से और भी 2 फिल्में की शूट चालू होने जा रही है, और ये पायलिया है जो सर का, तो यही है कि वो कभी भी रियल उठाते हैं स्टोरी, जितने भी अभी तक फिल्म सुना है मैंने और देखा है तो वो रियल ही उठाते हैं, रियल करेक्टर पर ही काम करते हैं, तो देखते हैं। मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो क्या कुछ अपने बारे में बताइए कि क्या आपका बैकग्राउंड है, कब आई इंडस्ट्री में, कब से संघर्ष? मैंने 2 फिल्में किया है भोजपुरी, एक नंदुनी कम्मा हमसुरवंशम है, वेब सीरीज भी किया है कॉमेडी, अच्छा, एंड सीरियल भी किए हैं, हिंदी सॉन्ग भी किए हैं, टी सीरीज अभी अभी कल की शूट थी मेरी, क्या बात है, तो चल रही है।
और आगे क्या बिग बॉस देख रहे हैं आप लगातार बिग बॉस के बारे में क्यों जा रहे हो उन्हें नहीं परेशान मत करो आपने थैंक यू मालिया का पार्ट भी है क्या कहना चाहेंगे किस तरह का किरदार है और प्रोजेक्ट का थीम क्या है भाई देखिए शंभू पांडे जी और उदय जी जो हैं हमारे बहुत पुराने साथी हैं इन लोगों का फोन आया और हम लोग शूटिंग कर रहे थे पनवेल में वहीं से सीधे यहाँ रहे अनिल धवन जी मैं दोनों इसमें जो भी रोल होगा अच्छा ही होगा अभी तो इन्होंने फ़ोन पे ही बताया सारी चीज़ क्योंकि डायरेक्ट भी कर रहे हैं ये और लिखा भी है प्रोड्यूस भी है दोनों आदमी मिलकर और अच्छी टीम है तो हम लोग इनके बहुत पुराने साथी हैं और मालिक का करोड़ों एहसान है कि अब कोरोना वायरस के बाद हम लोगों की गाड़ी जो पटरी पर आनी शुरू हुई है काम शुरू हो गया तो ये बहुत बड़ी बात है चूँकि पूरी इंडस्ट्री बिल्कुल स्टक हो गई थी और हम सब लोग खामोश हो गए थे तो बड़ा अच्छा लग रहा है फिर से हम लोग अपनी दुनिया में वापस लौटे हैं तो रोल अच्छा ही होगा अब ये हम सब डिस्कस कर लेंगे आउटडोर है लोग आउटडोर के लिए रेडी सर आपसे जानना चाहूँगा क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में बस हम इन्हीं की तरह अभी जुड़े हैं एक बार सब साथ में बैठ जाएंगे तो सबको अपना अपना पता लग जाएगा क्या क्या रोल है तो कोई अच्छा ही होगा जो आप जुड़े हैं सर जानना चाहूँगा कि काफ़ी भोजपुरी फिल्मों के हिस्सा रहे हैं आप लेकिन जितने भी बॉलीवुड कलाकार हैं उसमें कई लोग को भोजपुरी इंडस्ट्री से थोड़ा सा ऐतराज़ होता है कि इस प्रोजेक्ट में काम करना है उसके नहीं 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 आपकी सोच ऐसा कुछ नहीं है चाहे हिंदी में इतना बिजी होने के बाद कुछ लोगों को भोजपुरी के लिए वक्त नहीं मिलता कि वहाँ तक जाएँ मगर ऐसा किसी को नहीं है उन्हें बहुत अच्छी फिल्में बनती है लोग बहुत इन्जॉय करते हैं तो ये आपको गलत आप बताइए देखिए हम तो एक पार्ट ऑफ इंडस्ट्री के एक हिस्सा हैं हम भोजपुरी भी करते हैं मराठी भी करते हैं गुजराती भी करते हैं तमिल तेलुगु सारी लैंग्वेज में हम लोग काम करते हैं हमें कोई इतराज़ नहीं है क्योंकि हमको जितना करना था मालिक ने बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ होगा भी तो हम लोग चूँकि हमारी ज़बान है हम बिहार से ही हैं हम भोजपुरी को बहुत प्रायोरिटी देते हैं और भोजपुरी की वजह से फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे कलाकार फिर से जिंदा हुए बड़े बड़े पद पे हैं बड़े मुकाम पे पहुँचे तो मुझे लगता है कि इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है बच्चन साहब ने भोजपुरी की है बड़े बड़े स्टारों ने की है तो ऐसी कोई बात नहीं है और बड़ी मिठास है बहुत अच्छी ज़बान है ये तो हम चाहेंगे कि भोजपुरी भी करें महाराष्ट्र मुंबई में मराठी भी करें गुजराती भी करें हर लैंग्वेज में हम काम करना चाहते हैं सर हाल ही में तांडव को लेकर जो इतना विवाद चल रहा है क्या कहना चाहेंगे धर्म को लेकर जो इस तरह का विवाद करना कितना ज़रूरी समझते हैं या क्या समझते हैं कि ये कितना इलॉजिकल चीज़ है एक प्रोजेक्ट को बस देखिए ये तांडव को लेकर जो चल रहा है मैंने कई जगह सुना है और पढ़ा भी है मुझे लगता है कि तो ये फिल्म देखने के बाद पता चलेगा लेकिन ये कि बहुत सारी चीज़ें जो है मिल बैठ के बात करने से हो सकती है किसी चीज़ पर सिर्फ ऑब्जेक्शन उठाने से कम नहीं होगा सारे बातें हो रही है एफ आई आर भी दर्ज हो चुकी है आज मुंबई पुलिस ने भी रजिस्टर किया लेकिन कहीं ना कहीं एक देखा जाता है कि बॉलीवुड में कि हिंदू देवी देवताओं के बारे में लगातार इस तरह का कहा जाता है शिवजी के ऊपर इससे पहले आमिर खान ने भी किया तो क्या ये पर्टिकुलरली इसको लेके आप बॉलीवुड को थोड़ा समझना चाहिए कि आस्थाओं से ना खेले हम देखिए 100% किसी की भी आस्था से खेलना ठीक नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि इस मसले को हम लोग हल करें हम लोग एक एक्टर हैं हमें किसी के भी मज़हब के बारे में हम किसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि हर इंसान का जो मज़हब है प्यारा है हर इंसान को अपने अपने मज़हब में अपने हिसाब से काम करने का हक है और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है और इसमें मुझे लगता है कि बहुत से लोग जो हैं उनकी फितरत हो जाती है ऐसी बातें करने की हम जो किरदार निभा रहे हैं वो सब अभी साइलेंट है ये अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर पहले से बता देंगे तो आप लोगों में उत्सुकता कम हो जाएगी लेकिन जो भी किरदार निभा रहे हैं वो शंभू जी की कृपा से बहुत अच्छा किरदार निभा रहे हैं सर अभी जैसा कि सब ने अपना रिएक्शन दिया है वो तांडव के प्रोजेक्ट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि धर्म के नाम पे जो इस तरह से बवाल करना सिर्फ इसलिए कि चल जाए एक प्रोजेक्ट वो आप कितना गलत मानते हैं अभी जो इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि हिंदू क्या बोला था आपने उनके लिए संजय पांडे जी से हिंदू ग्रांटेड लिया जाता है
तो ऑलवेज उनकी आस्था और उनके आस्था, किसी के भी धर्म से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म जाति के लोग हों, हर धर्म एक समान है। हमें बचपन से ही पढ़ाया गया है, समझाया गया है कि सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। थोड़े से पैसों के लिए ये फिल्म वाले, मतलब हम लोग भी उसमें आते हैं, फिल्म वाले अपने दूसरे धर्म के बारे में या अपने धर्म के बारे में, ज़्यादातर तो हिंदू हम अपने ही मज़हब के बारे में कुछ भी ऐसी वैसी बातें दिखा देते हैं और बाद में माफ़ी मांग लेते हैं। तो हमें अपने धर्म या किसी के भी धर्म के बारे में गलत दिखाने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। और हर किसी को फिल्म बनाने से पहले ये सोचना चाहिए कि किसी के भी मजहब या किसी के भी आस्था को ठेस ना पहुंचे, ऐसी फिल्म बनाएं। सर, इसके अलावा क्या प्रोजेक्ट्स करेंगे बता दीजिए? और इसके अलावा मैं चिंटू के साथ माई बाबू जी के आशीर्वाद, पवन जी की एक फिल्म आ रही है प्यार हो गई। अच्छा इनके फिल्म रिलीज होने वाला है डार्क जंगल, द डार्क जंगल आ रही है, हिंदी फिल्म आ रही है, थैंक यू सो मच शिवाजी जो जिसमें मैं मेन विलेन हूँ। अली खान साहब, अरे भाई मेरा क्या, थोड़ा सा डर जाइए, एक नया विलेन आ रहा है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, द डार्क जंगल में शक्ति कपूर साहब है, असरानी साहब हैं, ने बहुत सारे हिंदी के स्टार्स हैं उसमें। मुझे मेन विलेन करने का मौका मिला है और मैंने किया है, डायरेक्टर है राकेश सावंत जी। अभी हम द डार्क जंगल नहीं, हम अपनी फिल्म पायलिया के बारे में बात करते हैं। शंभू पांडे जी ने मुझे ब्रेक दिया है अपनी फिल्म में, सो मैं इनका आभारी हूँ। इतना पॉपुलर आदमी है, इतने टीवी शो फिल्म किए हैं, इनको क्या जो तो, और इनकी आगामी दो तीन फिल्में और भी है, सब में मैं अभी से बोल ही लेता हूँ कि मैं साइन हो चुका हूँ। क्या बात है, सारी फिल्में आप लोग गवाह हैं कि इन्होंने मुझे बोला है और मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, तो इनको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। क्या प्रोजेक्ट है और जो आपने कास्ट किया उसके बारे में बताया, किस आधार पर लिया है? अली खान जी हैं और आपको के गोस्वामी जी हैं और भी कई कलाकार हैं। अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि उदय भाई कहानी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो बहुत अच्छा कहानी लगा, तो हमने कहा चलो इसको फिल्म बनाते हैं, तो डिसीजन हुआ, फिर अच्छे कलाकार की जरूरत थी, तो हमने फिर रोशनी जी मिल गई, फिर नेहा भी हैं इस फिल्म में। अच्छा, तो अब शुरुआत कर रहे हैं और सामाजिक फिल्म है, साफ सुथरी फिल्म। तो सामाजिक फिल्म बना रहे तो क्या कहना चाहेंगे, लोग का जो सोच है भोजपुरी को लेकर वो नज़रिया बदला है, सामाजिक देखना चाहेंगे लोग पर्दे पर? देखिए टीवी पे तो आजकल लोग सामाजिक देख ही रहे हैं, और जो भी हमने पहले भोजपुरी फिल्में बनाई हैं तो कभी हमने बल्गर या ऐसा नहीं बनाया कि मैं अपनी फैमिली के साथ ना देख पाऊँ। तो मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम मैं अपने फैमिली के साथ देखूँ, तो बाकी लोग तो जाएंगे अपने आप देखने के लिए, ये कोशिश रहती है कि साफ सुथरी फिल्म बनाए। तो सब्जेक्ट कहना बताइए, किस तरह का विषय क्या है, क्या कहने की कोशिश की गई? जैसे कि पायलिया है, तो पायलिया में पायलिया का जो कैरेक्टर है रोशनी जी कर रही हैं, तो ये हम दिखा रहे मतलब फिल्म में हीरोइन है। अच्छा, और पायलिया का जो कैरेक्टर है बड़ी स्ट्रांग है, और दूसरी हीरोइन नेहा है, इनका भी कैरेक्टर बहुत पावरफुल है, और इससे ज़्यादा डिटेल तो नहीं बता सकता अभी, लेकिन क्या मतलब क्या संदेश है? एक फिल्म बेस्ड कहानी है, ये फिल्म मतलब बना रहे हैं तो फिल्म कैसे बनती है, कैसे मतलब कैरेक्टर होते हैं। अच्छा, और कैसे इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का, उस टाइप का मतलब है। तो शूटिंग वगैरह कब से शुरू करने वाले हैं? शूटिंग इसकी मार्च में होगी दिल्ली और हापुड़ में। अच्छा, अभी हम 4 तारीख से 2 फिल्मों का शूटिंग करने जा रहे हैं, रामनगीना पति पत्नी गायिका। मैम आप बताइए क्या करना चाहिए? नेहा प्रकाश की तरफ से मैं गोरखपुर से बिलोंग करती हूं, और मेरी अभी लेटेस्ट रिलीज हुई फिल्म है ससुरा बड़ा पैसा वाला पार्ट 2, गोरखपुर में रिलीज होने वाली है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं शंभू पांडे सर का और उदय सर का कि उन्होंने मुझे चांस दिया अपनी फिल्म में, और इतने बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बाकी स्टोरी मुझे उतना पता नहीं है, बाकी तो सर ने बता दिया, अब सीखने को मिलेगा और मजा आएगा साथ में काम करके। तो मैं बिग बॉस देख रहे हैं आप? बिग बॉस हाँ, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ सलमान की, और सलमान जी की वजह से मैं बिग बॉस देखती हूँ।
और कोई आपके कोई फेवरेट है इस समय? राखी सावंत सबकी फेवरेट है, राखी जी तो मोस्ट एंटरटेनिंग पर्सन है। मुझे राखी सावंत मुझे लगता है सही बात है, केके गोस्वामी जी का बहुत रोमांटिक आदमी है। मुझे कुछ आइडिया नहीं है, शायद दो हीरो होंगे तो दो हीरोइन होंगी, अक्सर हीरो होंगे तो उनके अपोजिट होंगी मैं। उसका नाम बताइए, क्या नाम था? सामने देखना आपको नाम मुझे नहीं पता, हीरो का अभी रिवील नहीं कर सकते, वो संजय सर बताएंगे, शंभू सर बताएंगे। आप केके जी के साथ काम करने वाले हैं तो मतलब? हाँ, पहली बार मुझे केके सर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। मैंने बोला ना, इतने बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, तो आई एम श्योर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इन लोगों से और बहुत कुछ सिखाएंगे ये लोग मुझे। और पहली बार मेरे लिए इंटरव्यू का मौका मिला। हाँ, पहली बार आप लोगों के साथ इंटरव्यू लेने का मौका मिल रहा है, तो थैंक यू सो मच। और कुछ? अरे क्या कर रहा?